हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो तो ज़रूरी देखी होगी और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो फीडबैक हमें दिया, काफ़ी खुशी हुई और हमने भी पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से समझाने की। आज की जो वीडियो है वो भी हम लोगों की स्ट्रैटेजी पर बेस्ड है, बस फ़र्क इतना है कि वो वीडियो LU पे थी, ये DDU पे है। क्योंकि कई एस्पिरेंट्स के, कई स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर आप थोड़ा सा सेपरेट वीडियो बनाइए तो हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, तो वही मैंने किया है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कर दीजिएगा, जिससे हम लोग और भी मोटिवेट हों ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो फीडबैक है हमें कितना मोटिवेट करता है और बहुत ही अच्छा फीडबैक आ रहा है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ को लेकर। फ्रेंड, चलिए बताते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए DDU के लिए। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपको ये दृष्टि में नहीं लाना है अपनी कि कितने एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है, आपको देखना है कि मैं हूँ तो मैं ही हूँ और कोई नहीं है। तो अब आप लोगों को जब ये एक माइंडसेट बना लेना है कि मैं ही हूँ, कोई और नहीं है, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि सिलेबस क्या है। आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने वर्क कंप्लीट करिए। अब ये पता है कि कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी समय से अपनी प्रिपरेशन करते चले आ रहे हैं और कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी 3-4 दिन पहले ही अपनी प्रिपरेशन शुरू की है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें अभी भी नहीं पता हमें प्रिपरेशन क्या करनी है। तो देखिए, जिन्हें अभी भी नहीं पता कि प्रिपरेशन क्या करनी है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब उनके लिए मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा, बेस्ट ऑफ लक। और बेस्ट ऑफ वर्क जो होगा हमारा वर्ड, वो आप सबके लिए होगा। बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट ऑफ वर्क एंड ऑल द बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग अंतर अच्छे से जानते होंगे, इसी हिसाब से मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि DDU की प्रिपरेशन कैसे करनी है। सिलेबस पढ़ लिया आपने, आपने सिलेबस पढ़ने के बाद जो टॉपिक्स हैं, अब आपको सिलेबस में से टॉपिक निकालने पड़ेंगे। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के जो पॉइंट हैं वो बताना चाहता हूँ आप लोगों को। जैसे कि मान लीजिए BA का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो उसमें आप लोगों के लैंग्वेज नॉलेज है हिंदी इंग्लिश, वो आएगा आप लोगों का 15-15 नंबर के आएगा, 30 नंबर का टोटल होगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, हिंदी का टॉपिक थोड़ा सा बताते हैं, क्लियर करते हैं कि साहित्यिक हिंदी यहाँ पर ज़्यादा पूछी जाती है इन अकॉर्डिंग टू सामान्य हिंदी के, ओके। और ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं हिंदी साहित्य के, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, अधिकतर वही पूछे जाते हैं, बट आप लोगों का जो हिंदी साहित्य के कुछ अलग से प्रश्न आते हैं वो भी आ जाते हैं। इंग्लिश में आप लोगों के सेनोनेम्स, सिंटोनेम्स और करेक्शन वर्ड्स, ये सभी आ जाते हैं। जनरल स्टडी में आप लोगों का इंडियन हिस्ट्री, हिस्ट्री और फिलॉसफी, कल्चर, इतने टॉपिक आएंगे। और इनमें से आपको बता दें कि इंडियन हिस्ट्री भी है और थोड़ा बहुत क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब आप लोग समझिए कि वर्ल्ड हिस्ट्री में एकदम आप मान लीजिए 1 से 2 ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बट आएगा ज़रूर, ओके। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब आप लोग यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब कि जो आपकी थोड़ा सा सिलेबस में नहीं होगा और कहीं से और पूछ लिया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन रहते हैं, आप लोग समझ लीजिए कि ट्राइबेकर के रूप में काम करते हैं। अगर जैसे कि आप लोगों का किसी एस्पिरेंट्स, 2 एस्पिरेंट्स हैं, उनका नंबर अगर बराबर आ जाता है, तो एक प्रकार से मानिए कि ऐसा क्वेश्चन होता है कि जो किसी को लगभग पता नहीं होता है, तो उसी हिसाब से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उसी को आप लोग वर्ड हिस्ट्री का नाम दे सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। आप लोग को एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी है, देखिए जो बंदे इंडियन हिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू से करते चले आ रहे हैं वो तो समझ जाएंगे, बट जिन्होंने नहीं की है उनके लिए काफ़ी कठिन रहने वाला है। तो अब आप लोगों को तो पहला अंतर समझना पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोगों का जो शुरू हुआ था वो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत, इसी से ही क्वेश्चन पूछे जाएं। हिस्ट्री कहीं से भी हो सकती, किसी भी लेवल की हो सकती है, फिर से बता रहे हैं आप लोग को, रिमाइंड कराए दे रहे हैं। अब आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो है काफ़ी कठिन हो सकता है, बट आप लोगों को प्रिपरेशन ऐसी करनी है क्योंकि वहाँ पर आप लोगों का नॉलेज देखने से ज़्यादा आप लोगों की स्मार्टनेस देखी जाती है कि आप लोग कितने स्मार्ट स्टडी करते हैं, समझ गए होंगे। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं। अगला टॉपिक है इंडियन एंड इट्स पीपल। तो यहाँ पर टॉपिक हम ऐड करना चाहेंगे इंडियन एंड इट्स पीपल, कि आप लोगों का जो थोड़ा सा
जनसांख्यिकी से जुड़े विषय होते हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनसांख्यिकी से। ऐसे पूछ लिए जाएंगे जैसे मान लीजिए कि जनसंख्या घनत्व कितना था 2011 में, 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, भारत के लोगों के बारे में और भारत के लोगों के विचारों के बारे में, थोड़ा सा बहुविकल्पी टेढ़े मेढ़े करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैं आप लोगों को डीपली बता रहा हूँ और आप ये मत समझिएगा कि इसके जो सरल पॉइंट हैं इंडियन एंड इट्स पीपल बोल दिया तो इसी पे आएगा कोई साधारण तौर पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को डीपली जानना पड़ेगा क्योंकि हम टू पॉइंट आपको वो पकड़ बता रहे हैं जहाँ पे आपको जाके स्टडी करनी है और भी 8 से 10 दिन में। आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोग वीडियोज़ ही देखिए, वीडियोज़ देख के और फिर उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आप लोगों के सन दिए होते हैं, जो आप लोगों के नाम दिए होते हैं, वो ज़्यादा ही मैटर करते हैं, उसी हिसाब से आप लोगों को स्टडी करनी है। अब अगला टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है इसकी, कम समय में प्रिपरेशन करनी है तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आप लोगों को जो इसकी प्रिपरेशन करनी है उनमें से आप भारत के संविधान को पढ़िए। और देखिए आप लोगों को अगर थोड़ा सा जानकर हैरानी होगी कि भारत का जो संविधान है वो काफ़ी बड़ा है, वो काफ़ी बड़ा है और उसी के हिसाब से आप लोग उस हिसाब से प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो आप लोगों को प्रिपरेशन करने का एक तरीका ये जानना होगा कि आप लोग YouTube चलाते हैं, फ़ोन सबके पास होता है, गूगल भी सभी के फ़ोन में होगा, तो आप लोगों को पास अब समय नहीं बचा है, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि YouTube पे मैराथन वीडियोस भी आती हैं, आप लोग उनको देख करके प्रिपरेशन कर। मैराथन वीडियोस में ये रहता है कि हमें एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी पता चल जाती है कि हाँ कब से कब तक क्या हुआ था, इसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी। और बाद में आपको गूगल पे जाके क्वेश्चन सर्च करने होंगे, आप लोग वहाँ पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों के आंसर भी बताए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। आप लोग गूगल पे सर्च करिए, कोई भी टॉपिक आ जाएगा, आप लिखिए योजना आयोग तो योजना आयोग के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारे आ जाएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। अगला है आप लोगों का इंडियन सोशल एंड एजुकेशन सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं इंडियन सोशल, भारतीय समाज के बारे में जानकारी कीजिए। और मोस्ट जो क्वेश्चन आते हैं वो आप लोगों के रहते कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा, वो विचारधाराएं होती हैं उन पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो ये थोड़ा टॉपिक कठिन हो जाता है क्योंकि मैंने देखा है, जो मैंने एनालाइज़ किया है कि लगभग आप लोगों के 600 से 700 प्रश्न के अंडर में एक दो क्वेश्चन फंस जाएंगे, तो बहुत मुश्किल होता है, तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आ सकती है। चलिए बात करते हैं बीएससी मैथ की, जो उसका सिलेबस है जनरल स्टडीज़ रहेंगे आप लोगों की, मैथ रहेगी और फिजिक्स केमिस्ट्री से क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री से आप मान लीजिए कि 45-45 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। बीकॉम में रहेगा आप लोगों का लैंग्वेज, वही लैंग्वेज सिस्टम रहेगा, हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे और फिर आपको जनरल स्टडीज़ आएगा, मेंटल मेंटल टेस्ट होगा आप लोगों का, कॉमर्स के क्वेश्चंस आएंगे और कॉमर्स के क्वेश्चंस के बाद आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंकिंग इकोनॉमिक्स और बिजनेस ज्योग्राफी आप लोगों की आएगी। अब आप लोगों को प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में संक्षेप में बता देता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मैंने कहा आप लोगों से कि वीडियो तैयार कर लीजिए, वीडियो के तहत आप लोग पढ़ाई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा, जितने से ज़्यादा प्रीवियस ईयर के पेपर्स हों आप लोग क्लियर करिए। हाँ, मैं एक बात बताना चाहता था कि कई लोगों ने पिछली वीडियो में कमेंट किया कि जब सर ये बताइए कि जब LU या फिर LU विशेषकर जब प्रीवियस ईयर के पेपर्स प्रोवाइड नहीं कराता है तो आप लोग पेपर कहाँ से लाते हैं, तो देखिए पेपर नहीं लाते हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछे जाते हैं कि आप लोगों के हिसाब से किस हिसाब से प्रश्न आए थे आप लोगों के समय में, तो उसी का हम लोग एनालाइज़ करते हैं, उसी का एक पेपर बना लेते हैं। और एक टॉपिक रह गया, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, एक टॉपिक रह गया है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स और गेम्स का। आप लोगों को थोड़ा सा जानकर हैरानी होगी कि 25 नंबर्स के क्वेश्चंस करंट अफेयर्स और गेम्स में से आते हैं, बीए की बात कर रहे हैं हम, DDU में, ठीक है। तो करंट अफेयर्स तो आप लोगों को क्लियर ही करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के 3-4 टॉपिक मैंने पिछली वीडियो में बताए थे कि जैसे कि अभी टोक्यो ओलंपिक हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीति के बारे में आएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी कुछ बदलाव हुआ है और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वो बदलाव बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, अभी कुछ देर अभी अगस्त में ही बदलाव हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ में बदलाव हुआ है, वो क्या बदलाव हुआ है आप लोगों को कमेंट करके बताना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वेट करूँगा, मैं आप लोगों के कमेंट देख लूँगा और देखूँगा कि आप लोगों का भी एक प्रकार से टेस्ट होगा, मैं देखता हूँ कि किसको पता है कि अभी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
और ये मान लीजिए कि 90% क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब मैं नहीं बताऊंगा कि क्या क्या बदलाव हुआ है, आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी प्रीवियस अफेयर्स हैं, करंट अफेयर्स हैं, आप लोग को प्रिपेयर करने ही पड़ेंगे। और आप लोग समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएँ जो हैं उनके बारे में आप लोग तैयार कर लीजिए। और इंडियन इकोनॉमिक से संबंधित बता देते हैं कि आप लोगों को जितने भी प्लान्स हैं उनको क्लियर करना है। प्लान से काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप लोग मैराथन वीडियोस देख लीजिए क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं बचा है। पर डे एक वीडियो देखिए, लगभग 3-4 घंटे की एक वीडियो बन जाएगी। उससे आप फिर एनालाइज करके आप लोग एक प्रकार से खुद का टेस्ट लेंगे, उसी हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चन निकलते चले आएंगे। क्योंकि समय बहुत कम बचा है, इससे बेहतर आप लोग और क्या कर सकते हैं ये मैं भी नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आप लोग पूरा टाइम डेडिकेट करते हैं तो, वरना आप लोग समझ लीजिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम क्रैक करना। क्योंकि बहुत ही मात्रा में कंपटीशन होने वाला है इस बार। और आप लोग जानते ही हैं कि ऐसे कंपटीशन में एग्ज़ाम क्रैक करना कोई आसान काम नहीं होगा, भले ही एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बट जो लोग प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम होने वाली वैसे विशेषकर नहीं है। बट जो लोग अभी प्रिपरेशन नहीं किए हैं और करना चाहते हैं उनके लिए यही एक रास्ता है। अब आप लोग समझ लीजिए आप लोग अपने लक के भरोसे जाएंगे। बट अगर लग गए तो लक भी नहीं आप लोगों का काम करेगा, आप लोगों का वर्क काम करेगा उस जगह पर। फ्रेंड्स, आप सभी को वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं बेस्ट ऑफ लक तो नहीं बोलूँगा क्योंकि आप सभी लोग हमारे एस्पिरेंट्स हैं, सभी लोग स्टूडेंट्स हैं, सभी लोग बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। तो इसलिए आप सबको ऑल द बेस्ट, सभी लोग अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देना। और मैं भी आप लोगों के रिजल्ट का वेट करूँगा। जल्द ही आप लोगों का टारगेट गूगल पर मॉक टेस्ट भी लिया जाएगा। जितने भी PDFs हम लोगों के हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी PDFs हैं हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं टेलीग्राम पर। आप लोग ग्रुप पे आइए, ज्वाइन करिए, देखिए कौन से PDFs हैं, आप लोग उन्हें सॉल्व करिए। उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी देख लीजिए, वहीं पे प्रोवाइड कराए गए हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को ये पूरा टाइम यूटिलाइज करना है और इसके बाद कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि 8 से 10 दिन बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। फ्रेंड्स, हमें बहुत अच्छा लगा आप लोगों के लिए, और नई वीडियोस बनाएंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिएगा, क्योंकि अभी भी कई ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनके पास कोई चारा नहीं है, जो अभी भी खोजबीन कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकती है। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उन्हें शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। और इसी तरह आप लोगों का प्यार हम लोगों के से जुड़ा रहे, बस हम यही चाहते हैं। और आप लोगों का सपोर्ट हमें ऐसे मिलता रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।